मैं डॉक्टर विपिन कुमार श्रीवास्तव हूँ और गलगोटिया कॉलेज में हमने एक कंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया और इन बच्चों को क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस की गई और उसमें व्यूज़ बच्चों के लेते हैं कि एक्चुअल में जो हमने पूरा ह्यूमन बायोलॉजी एंड प्रोफेशनल एथिक्स पे एक लेक्चर अरेंज किया उस पर क्या इन्होंने बेनिफिट उठाया बताइए क्या आप नाम और कॉलेज मेरा नाम साक्षी साहू मैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड CSE मेरा ब्रांच CSE है इस पहले जब हम स्टार्टिंग में इस कॉलेज में आए थे जब हमारा इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो हमें लगता था कि ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए ये ऐसे ही सिर्फ नॉर्मली क्लासेस हो रहे हैं हम सोचते थे बंक कर दें क्लासेस लेकिन जब हमने एक दो क्लासेस अटेंड की तो उसके बाद समझ में आया अच्छा नहीं ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है ये हमारी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकता है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को और भी स्मूथली रन करा सकते हैं तो कुछ टॉपिक्स थे उसमें जो मुझे सबसे बहुत अच्छे लगे एक सबसे अच्छा टॉपिक मुझे लगा एक्सीलेंस और कॉम्पिटेंस पहले मैं ये सोचती थी कि कॉम्पिटेंस इज़ एवरीथिंग इन आवर लाइफ क्योंकि कॉम्पिटिशन से ही हमने स्टार्टिंग से ही सीखा है कि क्लास में भी थे हम सोचते थे कि हाँ फर्स्ट सेकेंड में आए पोजिशन फर्स्ट सेकेंड में हमने कभी एक्सीलेंस पर ध्यान नहीं दिया कि हमें मोर एंड मोर नॉलेज गेन करेंगे तब हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी बट आफ्टर द इंडक्शन क्लासेस मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं एक्सीलेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस विल गिव यू ऑलवेज पीयर प्रेशर नॉट मोर दैन दिस सो एक्सीलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्रूव योर सेल्फ फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड योर नॉलेज बहुत अच्छा जैसा ये पूरा प्रोग्राम था कंटेंट के बारे में आपको क्या अच्छा लगा कि कैसा कंटिन्यूस हैप्पीनेस जो आपका है उस पर क्या था क्या समझ में आया जैसे कि मैं आज स्टार्टिंग में आया था तो है मतलब कि हैप्पीनेस मनी और इन सब के बारे में बताया गया तो हमें पहले तो यही बताया जाता था कि अगर आपके पास मनी है तो हैप्पीनेस है और लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें हमारे टीचर्स ने ये बताया कि आप हार्ड वर्क करते हो और एक्सेलेंस की तरफ जाते हो अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो तो वो मेन हैप्पीनेस देता है आपको और लाइफ में मीन्स पैसे ही या मनी हर चीज़ नहीं होती है मतलब अपने ड्रीम्स को अचीव करना और उनको फॉलो करना भी मेन हमारा पाथ है और उसी के थ्रू हम मेन हैप्पीनेस गेन कर सकते हैं बहुत अच्छा जैसा ये बोला इन्होंने कि कंटिन्यूस हैप्पीनेस से सारी चीज़ें अचीव की जाती हैं कर सकते हैं आपने क्या सीखा इस इंडक्शन प्रोग्राम और वुमेन बायोलॉजी एंड प्रोफेशनल एथिक्स से ये सब क्लास में आपको बताया गया समझाया गया जैसे कंटिन्यूस हैप्पीनेस पे ही बोला गया था कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि मनी ही सब कुछ होता है वी कैन गो फॉर कंटिन्यूस हैप्पीनेस लाइक सुबह हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया हम फिर ये कहें कि हमारे साथ आफ्टरनून में भी कुछ अच्छा हो रात तक हमारा दिन बहुत अच्छा है ये सब हमें सिखाया गया और जैसे कि ग्रैटिट्यूड सबके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए जो भी हमारे लिए जो सब काम कर रहा है सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए एंड सबसे अच्छा था गो टूवर्ड्स एक्सेलेंस नॉट फॉर कॉम्पिटिशन ऑलवेज एंड द बेस्ट पार्ट इज इंटेंशन कभी किसी का गलत नहीं होता ये सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल होता है जो किसी का सही होता है और किसी का गलत होता है तो इंटेंशन कभी भी किसी का गलत नहीं होता ये बहुत अच्छा बोला कि इंटेंशन कभी किसी का नहीं होता ख़राब हमारा कॉम्पिटेंस लेवल अगर डाउन है या अप है किसी का डाउन है तो आपको अगर करेगा तो उसका इंटेंशन तो ठीक है जैसा इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के बारे में बात हो रही है आप क्या समझते हैं इसमें सर मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम दिव्यांशु सक्सेना है और मैं गलगोटिया कॉलेज सिर्फ दो बातें सोच के आया था कि यहाँ पढ़ना है और नौकरी लेनी है मेरे जो सीनियर्स हैं जो मेरे फेलो मेट्स एंड कलीग्स हैं उन्होंने भी यही बोला था कि यहाँ केवल और केवल पढ़ाई होती है मगर जैसे ही मैं कॉलेज में आया और हम लोगों को पता चला कि ये 3 हफ्ते का इंडक्शन प्रोग्राम है तो मेरे को जब ये ख़त्म हुआ काफ़ी अच्छा लगा हम बहुत ईजिली जलप हो पाए इसके वजह से कॉलेज के एनवायरनमेंट में और सीनियर से भी हमारा बहुत अच्छा इंट्रैक्शन हुआ और इसमें एक सब्जेक्ट था हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ उसमें दो बातें जो मेरे को ज़िंदगी भर हमेशा याद रहने वाली हैं एक तो उनमें से यह है कि हमारे सर ने यह बोला था कि हर इंसान को इज़्ज़त चाहिए होती है तुम इज़्ज़त दोगे तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी
और दूसरी बात जो मेरे सर ने हम सभी को सिखाई थी वो ये थी कि तरक्की वही इंसान करता है जो अपने साथ दूसरों की तरक्की कर सके। जो इंसान इस नीयत से रहता है कि नहीं मैं ही आगे बढ़ूँ बाकी ना रहें, वो कभी जीवन में आगे तरक्की नहीं कर सकते। और जैसा कि मैं आगे 4 साल बाद एक इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत लगता है और इनकी ज़रूरत लगती है कि ह्यूमन वैल्यूज़ हमारे जीवन में आगे बहुत काम में आएंगी। जैसा इन्होंने बोला कि ह्यूमन वैल्यूज़ हमें लाइफ में बहुत ज़रूरी होगा, आपका क्या सोचना है कि ह्यूमन वैल्यूज़ में जो चीज़ें कंटेंट बताई गई है आपकी लाइफ में बेनिफिशियल होगा, आपको लगता है? बेनिफिशियल होगा नहीं, मेरे साथ हो चुका है। बहुत अच्छा। मैं जैसे ही यहाँ पे आया, पहले मेरा रूममेट है, मेरे मतलब क्लासमेट भी है वो, तो मेरी उसकी बहुत लड़ाई होती थी। अगर मान लीजिए वो कुछ गलती से भी कर देता था तो मुझे लगता था कि ये जानबूझ के किया है। लेकिन जब मैम ने बताया कि किसी भी आदमी का इंटेंशन ख़राब नहीं होता आपके प्रति, बस उसकी मतलब कि सिचुएशन होती है, हमें दूसरों की भी सिचुएशन समझनी चाहिए, तो अब मुझे समझ में आ गया है। अब कुछ भी करता है तो इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ कि जब हम लोग लड़ते थे तो हमें दिन भर स्ट्रेस रहता था, ये रहता था, हम लोग बात नहीं करते थे। अब ना कोई लड़ाई नहीं होती है, हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं और कोई स्ट्रेस नहीं रह जाता है। ये मेरे समझ लिए, ये टीचर्स ने इन छोटे छोटे लेक्चरों में हमें पूरी ज़िंदगी की सीख दे दी है, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। जैसा इन्होंने बोला कि स्ट्रेस हमारा बहुत कम हुआ, और हमारा अगर ऐसा कुछ अगर आप फील कर रहे हैं तो हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम था वो बहुत सक्सेसफुल रहा। जैसा इन्होंने बताया कि स्ट्रेस हमारा कम हुआ, हमने हैप्पीनेस गेन करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग उस कंटेंट पे, वुमेन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, आपने उसका क्या बेनिफिट उठाया? सर, जैसे कि हम मेरे सारे कलीग्स और मेरे फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि ह्यूमन वैल्यूज से हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। जैसे दूसरों को रेस्पेक्ट देना, सिर्फ दूसरों को नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पेड़ हो गए, आपके प्लांट्स वगैरह हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, आप इनको भी रेस्पेक्ट दोगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। आप इन्वायरमेंट के प्रति अच्छे रहेंगे, आप अगर दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे दूसरे आपको रेस्पेक्ट देंगे। जैसे अभी मेरे फ्रेंड बोले थे कि वो लड़ाई करते थे अपने फ्रेंड से, तो जब उनने अपनी उस सिचुएशन को समझा कि क्या सिचुएशन थी, तब हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये सिर्फ वी ऑल आर इक्वल, ये हम लोग कहते हैं कि सभी हम इक्वल हैं, सबके अंदर वही चल रहा है जो मेरे अंदर चल रहा है। अगर वो फीलिंग आ जाएगी तो हम क्या करते हैं कि जो सामने वाला जैसा फील करेगा किसी सिचुएशन में, हम भी वैसे फील करते हैं। बताइए क्या हमें सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का समझ में आया कि हम किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से उसे डील करें। अगर हमारे साथ कोई लड़ रहा है या कुछ कर रहा है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या है। उसकी ये इंटेंशन नहीं है कि हाँ वो मेरे से लड़ाई ही करे, उसकी कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी या कोई उसे परेशानी होगी जिसके वजह से वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो हमें उसे समझना चाहिए, उसे शांत करना चाहिए, उसकी बहुत जरूरी है। अगर हम उसको समझ गए कि इसका हो सकता है बिहेवियर इस वजह से है, घर में कोई प्रॉब्लम है इस वजह से ऐसा बिहेवियर है, और आपने उसको समझ लिया, तो देन क्या हुआ कि उसको किसी से बहुत अच्छा आपको अच्छे वे में हम उसे ला सकते हैं, उसे हम संभाल सकते हैं, हम उसे संभाल सकते हैं, उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, उसकी थिंकिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं ये भी हो सकता है, ये पहलू भी हो सकता है, अगर तुम ऐसे मेरे साथ बिहेव किए होते तो ये तुम्हारे साथ नहीं होता। सभी ये फील करते हैं कि जो चीज़ें जैसा बोल रही हैं कि अगर हम किसी को सामने वाले को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से और वो भी हमें समझने लगा है तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जी सर, हम ऐसा समझते हैं, और हमारी पहले ऐसी सोच नहीं थी, ये इंडक्शन प्रोग्राम के बाद ही हुई है, और मैं ये चाहूँगा कि हमारी AKTU यूनिवर्सिटी ऐसे और प्रोग्राम्स कंडक्ट करती रहे। नहीं, बहुत अच्छा है आपका, जैसे जैसे इसमें पॉजिटिव रिस्पांस आएगा यूनिवर्सिटी के पास से उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी और इसको हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू।